नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। मध्य प्रदेश की फिर से एक नई भर्ती लेकर आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली भर्ती के बारे में, कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली है सभी जानकारी आप देंगे। सबसे पहले, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंडिया में निकलने वाली प्रत्येक वैकेंसी की जानकारी, योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन से पद पर भर्ती निकली है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या कुछ मिलेगी, सभी जानकारी आपको देने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखते रहे। नोटिफिकेशन के लिए, जानकारी के लिए सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है जिसका नाम है GORNEWS24। लिखकर आप जैसे सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी। यह हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जो भी जानकारी आपको मिलेगी वो पूरी एकदम 100% श्योर जानकारी मिलेगी। वेबसाइट को फॉलो करने के लिए यहाँ पर आप फॉलो ऑप्शन बटन, आपको फॉलो ऑप्शन दिख जाएगा, इसे जरूर फॉलो कर लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में 592 पदों पर भर्ती निकली है, एज लिमिट 50 साल है। अगर आपने अभी तक ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं देखा तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बैंक ऑफ बड़ौदा की जानकारी यहाँ पर आप देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 592 पदों पर भर्ती निकली है। बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, हेड प्रोजेक्ट मैनेजर, डेटा इंजीनियर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती निकले। उम्मीदवार बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है। लगभग 500 अलग अलग जो पोस्ट हैं उस पर वैकेंसी निकली है दोस्तों। भर्ती का पद डेटा इंजीनियर सहित अन्य पद आपको आगे बताएंगे कौन कौन से पद हैं। आवेदन प्रारंभ होने की तारीख 30/10/2024 है। इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं जो कि 17/11/2024 यानी 17 नवंबर 2024 तक इसका आवेदन चलने वाले हैं। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ₹600 इसका जो आवेदन शुल्क है वो पे करना होगा। और अगर आप एसटी एससी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको ₹100 पे करना होगा आवेदन शुल्क, ठीक है। तो चलिए, कुल पदों की संख्या अगर हम देखें तो 592 पद इसमें देखने को मिल जाएंगे। और चिन्हित किया गया कौन कौन से पद हैं, यहाँ पर आपको पूरे पद नहीं बताया गया, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं पूरे पद। यहाँ पर आपको मेन मेन पद दिया, जैसे प्रक्रिया डिजाइनिंग और अनुकूल प्रदर्शन की निगरानी और रिपोर्टिंग, नियामक अनुपालन, प्रक्रिया सुधार पहल, विक्रेता प्रबंधक, जोखिम प्रबंधक, हितधारक सहयोग, जोखिम प्रबंधक, नियामक अनुपालन, जोखिम प्रबंधक, रिपोर्टिंग और निगरानी, प्रशिक्षण और विकास, ग्राहक शिकायत निवारण, नैतिक और उचित आचरण, ठीक है, रिपोर्टिंग और निगरानी, प्रशिक्षण और विकास। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रशिक्षण और विकास, ग्राहक शिकायत निराकरण, नैतिक और उचित आचरण, आंतरिक सहयोग। उसके बाद बात करें तो टीम प्रबंधक, ऋण वसूली, प्रदर्शन, ग्राहक सहभागिता, अनुपालन, परिचालन दक्षता, रिपोर्टिंग, हित धारक प्रबंधन। ये इस प्रकार से कुछ आपको जो पद है वो देखने को मिल जाएंगे। आयु सीमा की अगर हम बात करें दोस्तों तो आयु सीमा 22 साल की रहेगी, न्यूनतम 22 साल और अधिकतम 50 साल इसमें रहेगी। एसटी एससी ओबीसी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियम अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। बात करें शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता तो उम्मीदवार जिस फील्ड में आवेदन कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए नोटिफिकेशन के आधार पर। तो आप जिस भी पोस्ट के आधार पर, जिस भी पद के आधार पर आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों उसकी क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, नोटिफिकेशन में आपको क्वालिफिकेशन दी जाएगी। नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी हम आपको बताएंगे। बस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको लाना है आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, उम्मीदवार का एक सिग्नेचर। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो इन सभी की जानकारी आपको लगेगी। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी उम्मीदवार को काम के आधार पर सैलरी तय की जाएगी। किस पोस्ट पर, सभी पोस्ट पर अलग अलग सैलरी रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा, डायरेक्ट आप इंटरव्यू के आधार पर आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम, रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है। अब आवेदन किस प्रकार से करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है बैंक ऑफ बड़ौदा की। होम पेज पर आपको अप्लाई बटन एक दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। मांगी गई सभी जानकारी भरने के बाद फोटो, सिग्नेचर सहित जरूरी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। कैटेगरी के अनुसार फीस का भुगतान करना है और फॉर्म सबमिट कर इसका आगामी भविष्य में जानकारी के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है। अब ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप मध्य प्रदेश बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर हो जाएंगे, ठीक है।
अगर आप इसे हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में, इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश में आप कर सकते हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने आपको नोटिफिकेशन क्लिक कर रहे हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बैंक ऑफ बड़ौदा का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे आप मैनेजर बिजनेस फाइनेंस में करना चाहते हो तो वैकेंसी इसकी एक है, आयु सीमा यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यह पूरे 43 पेज के, इसमें आपको पूरे ए टू जेड जो पद है उसकी जानकारी दिखेगी, आपको क्वालिफिकेशन मिलेगी, नंबर ऑफ पोस्ट दिखेगा, एज लिमिट दिखेगी, सभी जानकारी यहां पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश में निकलने वाली ऐसी भर्ती की जानकारी लेने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।